Hello dear students, welcome once again in my YouTube channel. As you all are knowing very well that I am discussing this video series for basically class 10th students. So today this lecture is all about hepatic portal system. So students, हम लोग portal system की अगर बात करें तो portal system ये कहता है कि directly blood का transportation किसी भी organ से heart में नहीं हो. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पोर्टल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ब्लड या देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. ब्लड का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली नहीं होगा. देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड कहाँ से? फ्रॉम ऑर्गेन टू हार्ट. किसी भी ऑर्गेन से हार्ट में ब्लड का कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. तो पोर्टल सिस्टम फिर स्टूडेंट्स करता क्या है? तो पोर्टल सिस्टम क्या करता है कि जो वेन्स होती हैं, दे हैव कैपिलरी सिस्टम एट बोथ द एंड्स. अगर हम लोग वेन्स की बात करें तो वेन्स के पास कैपिलरी सिस्टम है. कैपिलरी आर वेरी थिन एंड दे हैव कैपिलरी सिस्टम एट बोथ द एंड्स. तो वेन्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ब्लड को कलेक्ट करेंगी कैपिलरी सिस्टम से और ब्रांच आउट करेंगे अगेन दूसरी कैपिलरी सिस्टम में, ताकि वो ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर ऑर्गेन तक हो पाए. तो यहाँ पे वेन्स आप ऐसा कह सकते हैं कैपिलरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा पोर्टल सिस्टम में. डायरेक्ट ऑर्गेन से हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा और इस तरीके के सिस्टम को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं पोर्टल सिस्टम. और जो वेन इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग बोल देते हैं पोर्टल वेन. द वेन विच इज इन्वॉल्व इन पोर्टल सिस्टम इट इज कॉल्ड पोर्टल वेन. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे जो वर्ड आपको अपने आप में बायो में टर्म्स को क्लियर कर देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. तो पोर्टल का बेसिकली मतलब क्या है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे. मैं फिर से आपको यहाँ पे इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन से हार्ट लेवल पे नहीं होगा. यहाँ पे एक कैपिलरी सिस्टम इन्वॉल्व होगी जो कि वेन्स के पास होंगी और वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी. और अगर हिपैटिक टर्म की बात करें तो हिपैटिक टर्म हमेशा हम लोग एक लिवर के लिए यूज करेंगे. आई थिंक यू ऑल नो लिवर इज ऑर्गेन विच इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन. बस हम हिपैटिक लगाते जाएंगे इस टर्म में, पोर्टल बाकी सारा सब कुछ सिस्टम वही है. वो ब्लड को कलेक्ट करेगा कैपिलरी से फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम. सपोज मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं. तो जो हिपैटिक पोर्टल वेन होंगी, ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये ब्लड को कलेक्ट करेंगी. कहाँ से कलेक्ट करेंगी? कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड थ्रू कैपिलरीज. इस पॉइंट को आप समझे थोड़ा अच्छे से. कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड को लेकर जाएंगी, कलेक्ट करेंगी. फ्रॉम कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगी? फ्रॉम इंटेस्टाइन. इट डज नॉट टेक द ब्लड डायरेक्टली टू हार्ट. ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट तक नहीं लेके जाएंगी. और क्या करेंगी? इंस्टेंट ब्रेकअप इन टू कैपिलरी सिस्टम. इसको क्या करेंगे? लिवर में, कैपिलरी सिस्टम में ब्रेकअप कर देंगी और डिपॉजिट करेंगी शुगर को और अदर न्यूट्रिएंट्स को वहां पर. अब लिवर से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम द लिवर तो जो ब्लड है वो टेकन अप बाय हिपैटिक वेन. वो ब्लड कौन लेकर जाएगा? हिपैटिक वेन. हिपैटिक वेन ब्लड को लेकर जाएगी और कोर्ड कर देगी इन टू इंफीरियर वेना कावा में कोर कर देगी जाकर. तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूंगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं. मैं यहाँ पे इसको सिंपली इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लेकर आती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे. इस फ्लो चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाएंगे चीजों को. आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर दिस. जैसे कि कैपिलरी नेटवर्क इन इंटेस्टाइन की मैंने यहाँ लिखती हूँ, कैपिलरी नेटवर्क इन इंटेस्टाइन. कैपिलरी नेटवर्क इन इंटेस्टाइन, जो भी हमारा कैपिलरी नेटवर्क है इंटेस्टाइन रीजन में, वो क्या करेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन HPV के थ्रू कैपिलरी नेटवर्क इन लिवर लेकर जाएगा. कैपिलरी नेटवर्क इन लिवर. और लिवर में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स का डिपोजिशन होगा. यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पे हिपैटिक वेन्स इन्वॉल्व होंगी,
ये न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देंगी, माइनस आप लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद क्या होगा, ये हिपेटिक वेन लेकर जाएगी इंफीरियर वेना कावा में, और उसके बाद ये ब्लड पहुंचेगा हार्ट में। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, कैपिलरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप इतना याद रखें पोर्टल सिस्टम में। सो दिस इज द सर्कुलेशन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट शोइंग हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर से आप इस पॉइंट को, पाथवे को समझ सकते हैं, ये पाथवे काफी यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू, बाय बाय।